हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट गुलाब जामुन। हमने लिया है 1 कप मिल्क पाउडर, 1/2 कप मैदा, 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और 2 चम्मच घी। अच्छे से मिला लेंगे। और थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए हम इसका एक स्मूथ डो बना लेंगे। डो हमारा तैयार है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब बनाएंगे चाशनी। यहाँ लिया मैंने 2 कप चीनी और 2 कप पानी। दो इलायची, इनको मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है। अब हम इसे एक बॉयल आने के लिए छोड़ देंगे। बॉयल हमारा आ चुका है। चेक करके देखेंगे, चाशनी हल्की बॉयल आने के बाद 5 मिनट पकाएंगे और चेक करके देखेंगे, चाशनी हल्की स्टिकी होनी चाहिए, तार वाली चाशनी नहीं होनी चाहिए। हम डो के छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। हमें यहाँ क्रैक फ्री बॉल्स बनाने हैं। गुलाब जामुन के बॉल्स हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। यहाँ लिया मैंने घी। घी को हल्का गरम किया है। घी को ज़्यादा गरम नहीं करना है क्योंकि ये धीरे धीरे पकेंगे। अगर तेज़ आंच पर इन्हें हम पकाएंगे तो ये जल जाएंगे। और इन्हें डालकर हम लगातार चलाते हुए इन्हें पकाएंगे। अगर लगातार नहीं चलाएंगे तो ये एक साइड से ज़्यादा और एक साइड से कम पकेंगे। जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए हमें ऐसे ही चलाते हुए इन्हें फ्राई कर लेना है। अब हम इन्हें गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। गुलाब जामुन हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। और अब इन्हें हम चाशनी में डाल देंगे। और अब इसे हम 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 2 घंटे के बाद देखते हैं, गुलाब जामुन हमारे डबल साइज के हो चुके हैं। गुलाब जामुन हमारे तैयार हैं। आप इन्हें त्योहारों पर बनाकर खा सकते हो। ये इंस्टेंट वाले गुलाब जामुन हैं, आप इन्हें आसानी से बना सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय।